आज मैंने देखी आदि पुरुष। सुबह 9 बजे मैं सिनेमा हॉल में गई और सुबह 9 बजे का जो शो था वो भी पूरा हाउसफुल था और फिल्म की जबरदस्त बुकिंग हुई है और यही वजह है कि सिनेमा घरों में काफी भीड़ है, काफी उम्मीद से दर्शक जो है आदि पुरुष देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी इस फिल्म की सारी अच्छाइयां, सारी खामियां, आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखें या नहीं। तो मैं तो सबसे पहले बोलूंगी आप इस फिल्म को सिनेमा घरों में जरूर देखिए, परिवार के साथ जाइए। आप वहाँ जाकर जब बच्चों को कम से कम रामायण की कहानी जो है आप दिखा सकते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी अच्छाई है प्रभास ने इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग की है। दोबारा आपको कहें तो फिल्म के जो युद्ध वाले सीन्स हैं वहाँ जो VFX है वो भी कमाल का है। सैफ अली खान ने रावण के किरदार में बहुत अच्छी एक्टिंग की है और जो उनका 10 सिरों वाला अवतार दिखाया जाता है और उनके जो 10 सिर आपस में बात करते हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और वो जो है अच्छा है फिल्म में। इसके अलावा आपको बताएं कृति सेनन ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत सुंदर दिखी है वो फिल्म में, उन्होंने एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है तो वो भी इस फिल्म की एक बड़ी USP है। इसके अलावा हनुमान का किरदार जिन्होंने निभाया है वो रोल भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। साथ ही जो फिल्म में नेचुरल ब्यूटी दिखाई गई है, जो VFX के जरिए भी जिनको बढ़ा के दिखाया गया है वो भी बहुत कमाल के सीन्स हैं। जब राम सीता वनवास में होते हैं और उनका जो रोमांस दिखाया जाता है या उनके जो गाने वगैरह हैं वो बहुत खूबसूरत दिखते हैं और आपको मतलब देखकर लगता है वाकई में मज़ा आ जाता है। सबसे बड़ी बात इस फिल्म में डायलॉग्स बहुत धांसू हैं, मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखे हैं और जो डायलॉग्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं कि आपको रामायण की तरह जो है वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी वाले डायलॉग्स हैं, बिल्कुल हमारे आम बोलचाल की भाषा है। और हनुमान के जो डायलॉग्स हैं जब वो लंका में जाते हैं और वहाँ जो डायलॉग्स बोलते हैं वो बहुत ही मज़ेदार हैं, उसको देख करके जो है दर्शक जो है सिनेमा घरों में जो है ताली बजाते हुए दिखे। ओवरऑल ये जो रामायण बनी है ओम राउत ने बहुत अच्छी कोशिश की है, बढ़िया कोशिश की है। रामायण की कहानी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस फिल्म में रामायण की शुरुआत जो होती है वो राम के वनवास से होती है जहाँ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ रावण जो है शिव जी की पूजा कर रहा है और उसको वरदान मिलता है वो दिखाया जाता है। उसके बाद जो है वनवास में किस तरह से राम सीता रह रहे हैं और कैसे रावण की बहन सूर्पनखा जो है आकर के राम से प्रभावित होती है और कहती है उनसे शादी कर ले, वहाँ से एक तरह से कहें तो फिल्म जो है आगे बढ़ती है। तो ओवरऑल ये फिल्म जो है मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन मैं साथ साथ आपको इस फिल्म की कुछ खामियां भी बताऊं। रावण की लंका जो थी वो सोने की है, लेकिन इस फिल्म में जो आप लंका देखते हो तो ऐसा लगता है कि लंका को कोयले का बना दिया, बिल्कुल काला काला कुछ भी नज़र नहीं आता। दूसरी खामी जो मुझे लगी वो सैफ अली खान का लुक। सही कहा था लोगों ने सोशल मीडिया पर कि सैफ अली खान रावण कम अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा लग रहे हैं। फिल्म में वो टीका लगाए हुए बहुत कम जगह ही दिखते हैं, एक तो जब वो साधु के भेष में जाते हैं सीता हरण के लिए, दूसरा जब वो पूजा कर रहे होते शिव जी की, नहीं तो पूरी फिल्म में उनका लुक जो है अलाउद्दीन खिलजी वाला है और उनको देखकर आप बिल्कुल लगता नहीं कि वो रावण है। रावण जो है शिव जी का भक्त था, वो मांसाहार नहीं खाता था, लेकिन फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि इनका जो चमगादड़ है जिस पर बैठकर रावण उड़ता है उस चमगादड़ को मोटे मोटे गोश्त खिला रहा है। मुझे लगता है वो सीन जो है इस फिल्म को विवादों में डाल सकता है। दूसरा मुझे एक जो खामियां लगी, पूरी फिल्म में जो है रावण की लंका में जो है राक्षसों को जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत ही अजीब सा घिनौने से दिख रहा है मुझे, कहीं से भी मैं उसको लंका नहीं समझ पा रही थी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो कोई दूसरी दुनिया के लोग लग रहे थे, वो लंका नहीं लग रहा था। हम लोगों ने जो रामायण देखी है, हम लोगों ने जो रामायण सीरियल देखा, बहुत बार रामायण सीरियल बना, रावण और उसकी लंका का जो दिखाया गया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मुझे लगता है कि यही इस फिल्म की सबसे बड़ी खामी होगी। दूसरा इस फिल्म में जो जितने कलाकार हैं जो लंका के जो इंद्रजीत हो गए उनके टैटू बने हुए पूरी बॉडी में, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं समझ में नहीं आया, सबके हेयर स्टाइल बहुत अजीब से हैं। तो ये जो फिल्म है कहीं ना कहीं लगता है कि आप मार्वल की कोई फिल्म देख रहे हैं जब आप लंका की तरफ जाते हैं। हालांकि राम के रोल में भी आपको लगता है कि राम की जो छवि है कि उनकी मूछें नहीं है, राम के जो सौंदर्य का वर्णन हमने रामायण में देखा है उस तरह से
प्रभास का लुक भी आपको राम जैसा नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं लुक वाइज जो है वो निराश करते हैं। हालांकि उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, जब वो डायलॉग बोलते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी है। प्रीति सेनन ने भी इस फिल्म में अपने किरदार के लिए जान लगा दी है। सैफ अली खान ने भी एक्टिंग अच्छी की है लेकिन उनका लुक बिल्कुल अच्छा नहीं है। रावण की जो दुनिया है वो आपको कहीं और की दुनिया दिखाई गई है, और ये जो है जो लोग सोचेंगे कि मैं जाकर वहाँ रामायण देख रहा हूँ लेकिन वो कोई और दुनिया है, तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने रामायण सीरियल देखा हुआ उनको ये बिल्कुल उतना पसंद नहीं आने वाला है। और ये इस फिल्म की सबसे बड़ी मतलब खराबी मुझे लगी, और मुझे लग रहा है इससे इस फिल्म को काफ़ी नुकसान हो सकता है कि सोने की लंका को सोने का दिखाना चाहिए। इसके अलावा जो वानर सेना में जो लोग डाले गए हैं, वानर सेना का मतलब था कि उनकी पूरी बॉडी जो है वो इंसान की थी और उनकी पूंछ थी और चेहरा भी काफ़ी कुछ जो है इंसानों जैसा था, लेकिन इस पिक्चर में जो है वानर सेना को पूरी तरह से वानर दिखाया गया है। सुग्रीव को आपने उन्होंने चिंपैंजी जैसा दिखाया है, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत था, क्योंकि हमारे जो महाकाव्यों में जिस तरह का वर्णन है उस तरह से सुग्रीव का लुक नहीं है। बाली का लुक भी बिल्कुल वैसा नहीं, हनुमान का लुक फिर भी ठीक है लेकिन हनुमान की दाढ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि अब तक आपने जितने भी हनुमान देखे हनुमान की दाढ़ी नहीं थी। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो है इस तरह बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहा लुक। तो कहीं ना कहीं पहले जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया, तब 100 करोड़ खर्च करके VFX चेंज किए गए, लेकिन अब वो क्या चेंज हुआ पता नहीं, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं रावण जो है हमेशा अलाउद्दीन खिलजी ही दिखा, कहीं से भी वो लग नहीं रहा है। रावण हमेशा टीका लगाए रहता था, उसके बाल बड़े बड़े थे, लेकिन यहाँ पे आपके सैफ अली खान के जो बाल हुए स्पेक्स है वो बिल्कुल मॉडर्न हेयर स्टाइल है। प्लस आपको जो है ना लोग वाइन शेप के ग्लास में जो है लंका में लोग मदिरा पी रहे हैं, तो वो सब जो है ना थोड़ा मुझे लगता है इस फिल्म के लिए नुकसान है। थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था लोगों को, एक बार सोचना चाहिए था जो ओम राउत और उनकी टीम को कि वो क्या दिखाएंगे, लोग इस रामायण को कितना एक्सेप्ट करेंगे। आप रामायण जैसी महाकाव्य से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आपको उसको सोचना चाहिए था कि आपने जो लुक डिज़ाइन किया है रावण का वो क्या लोग पसंद करेंगे। कुछ भी हो, रावण बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, उसको बहुत नॉलेज थी, शिव जी का भक्त था, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है इस फिल्म से आपको गायब दिखती हैं। रावण बिल्कुल अलग ही लुक है, कौन सी दुनिया में आपको जब आप लंका जाते हैं तो लेके जाती है फिल्म वो, वाकई में बहुत। फिल्म का सेकेंड हाफ जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि VFX वगैरह थोड़े ठीक है अब, लेकिन रावण जो रावण की जो लंका दिखाई गई है वो बिल्कुल ही भव्य नहीं है, बिल्कुल भी अजीब सा है। और चमगादड़ पे रावण बैठ के जो है सीता का हरण कर रहा है। हमने रामायण में ये पढ़ा है कि रावण जो है पुष्पक विमान लेके आया था और उसमें वो सीता को लेके गया था, चमगादड़ पे सीता को ले जाया जा रहा है, उनको बांध दिया गया चमगादड़ पे। तो ये सब देख करके लगता है आप रामायण नहीं बल्कि कुछ फैंटेसी की कुछ और कहानी देख रहे हैं। तो ये सब थोड़ा जो जिस तरह की छेड़छाड़ की गई है क्रिएटिविटी के नाम पर, वो क्रिएटिविटी जो है इस फिल्म को नुकसान पहुंचाने वाली है। फिर भी फिल्म में कुछ अच्छी बातें हैं जिसका मैंने वर्णन शुरू में कर दिया, बहुत से कलाकारों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। फिल्म का फर्स्ट पार्ट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, जितने में राम सीता का वनवास देखते हैं, राम सीता के बीच जो बातचीत है, उनके बीच जो गाने हैं, वो सब बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि ओम राउत की फिल्म तानाजी जितनी अच्छी थी ये फिल्म उतना बढ़िया नहीं बना पाए हैं, और मुझे लगता है 600 करोड़ में अगर ये फिल्म बनी है तो ये फिल्म अपनी कितनी लागत वसूल कर पाएगी ये सोचने वाली बात होगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार।